लो ताजे मीठे बड़े आम, ले लो ताजे मीठे आम, ले लो ताजे मीठे बड़े आम, बहुत बढ़िया ताजे मीठे आम। ताजे बढ़िया मीठे आम, ले लो ताजे मीठे बढ़िया आम। कितने को दे रखे रहे आम? अरे ताई 50 रुपए किलो दिए आम। 20 रुपए किलो को बिक रहे हैं आम? नारी भी इसको ना है आम दो, दे दो, हम तो कहीं और आ सकते। सही है, ताजे बढ़िया है। तो दे दो, ले जाओ अपना आम। ले लो ताजे मीठे आम, ले लो ताजे मीठे आम, ले लो आम ताजे बढ़िया मीठे आम। अरे अंकल, 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 क्या हुआ आपको? अंकल ऐसा क्या हो गया था आपको जो चक्कर खा के गिर पड़े? कुछ नहीं बेटा, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था इसलिए चक्कर आ गया। अंकल आपकी ये काम करने की उम्र नहीं है, इस उम्र में तुम्हारे बेटों को काम कराते शर्म नहीं आती? कुछ नहीं बेटा, अभी जरा छोटा है बच्चा और पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है। चलो ठीक है अंकल जी, आप खड़े हुई है पहले। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाइए और आराम करिए और घर जाके दवा लीजिए। ठीक है बेटा। ठीक है आप घर जाइए। पापा पापा। हाँ बेटा। आज तुम आम बेचने नहीं गए? नहीं बेटा, मेरी कुछ तबीयत खराब थी, मैं आम बेचने नहीं जा सकता। एक काम करो बेटा, मुझे गर्म पानी ला दो थोड़ा सा। पापा आप गर्म पानी के पियो, दवाई खा लो। बेटा दवाई के लिए पैसे ना है। पापा आप तो रोज आम भी बेच कम है, तो पैसे क्यों नहीं? बेटा 2 दिन से आम बिके ही ना। ठीक है पापा, आज से आम बेचने में आ जाऊंगा, जितने के आम बिकेंगे ना उतने की आपकी दवाई ले आऊंगा, तुम यहाँ आराम करो। एक काम करो बेटा, जल्दी जाओ नहीं देर हो जाएगी। ठीक है पापा। ले लो मीठे आम, आम ले लो मीठे आम। हाँ हाँ ठीक है, एक साइड में गाड़ी लगाओ और बाहर खड़े हो जाओ, हम वहीं पर आ रहे हैं। हेलो कहाँ पे? वहीं पे खड़े हैं रोड पे, फिर जल्दी आ जा। ठीक है अरे भैया आम ले लो, बहुत मीठे आम है। अरे भाई रुक। हाँ बता। छोटू आम के लिए आवाज लगा रहा। और भाई छोटू कैसे दिए ये आम? ये 40 को है, ये 20 को है। रणवीर भाई पहले हम आम खा के देखेंगे, अच्छे लगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। रणवीर भाई सही कह रहे हैं, एक फिर आम चेक करके देखते हैं। कह तो तुम दोनों ठीक रहे, चल छोटू आम चेक करा भाई। हाँ हाँ भैया क्यों ना खा के देखो। भाई छोटू आम तो ठीक है। कितने दूं? तोल देना भाई, 1 किलो दे दे।
किस बात के पैसे? जो उन्हें तुमने ये आम लिए। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे पैसे मांगे? अरे भैया मैं इनामों को दे रहा, पैसे जो उन्हें तुमने ये आम लिए। अबे गजसड़े आम में तेरे इनामों को कौन लेगा? हमें जाने दे, एक तो वैसे लेट हो रहे और ऊपर से तू लेट कर रहा हमें। अरे भैया मेरे पापा कई दिनों से बीमार है, मैंने भी कुछ नहीं खाया, आप पैसे दे देंगे तो मेरे पापा की दवाई आ जाएगी। ओहो तो छोटू पुरते एक काम कर, ये सारे आम हमें दे दे और अपने पापा की दवाई ले आना और अपना खाना खा लेना, ठीक है? साहब मेरे आम क्यों फेंक रहे हो? साहब रहने दो मेरे आम में ना फेंको, साहब रहने दो मेरे आम में ना फेंको। तैने रोक के बहुत बड़ी गलती करी है, तुझे पता हम कितनी इमरजेंसी काम से जा रहे थे और तुझे इसकी सजा मिल गई है। ले पकड़ अपने आम और आज के बाद हमें रोकने की कोशिश मत करिए। अरे छोटू क्या हुआ, ये लोग तुझे क्यों पीट रहे थे? मैं इनसे अपने आम के पैसे मांग रहा था, मेरे आम के पैसे नहीं दिए और मुझे पीटने लगे। अबे ओए इधर आ, छोटू को पीट के कहाँ जा रहा है? इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी की है? इसने तो अपने आम के पैसे मांगे थे ना, और तुमने इसका इतना नुकसान कर दिया। एक गरीब लाचार मजबूर का फायदा उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तू क्या ले हमारे बीच में, ये हमारा आपसी का मैटर है, तू निकल यानी तेरी खैर नहीं। तू क्या मारेगा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? अरे भाई ये लड़की का मैटर है, अभी चलते हैं यहाँ से, तुझे तो हम बाद में बताएंगे। अबे चल निकल यहाँ से। छोटू तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं और मेरे पापा। क्यों मम्मी नहीं है? मेरी मम्मी मुझे बचपन में छोड़ कर मर गई थी, और मेरे पापा हैं, वे भी मुझे पालते हैं और वे भी बीमार हैं, इसलिए मैं आम बेचने आया, मैं सोच रहा पापा की दवाई आ जाएगी। चलो छोटू खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे आम भराती हूँ, तुम्हारे घर चलती हूँ, चलो। पापा पापा देखो मेरे साथ कौन आया, पापा 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 पापा। छोटू छोटू चुप हो जाओ, छोटू छोटू चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और रोने से कोई फायदा नहीं। छोटू छोटू चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, चुप हो जाओ छोटू। दीदी मैं बना तो आया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरी दीदी है ना, तेरी दीदी जिंदा है अभी, मैं तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक दिन तुझे बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी, बिल्कुल मत रो, अभी तुझे जीवन में बहुत कुछ करना है छोटू। छोटू हाँ दीदी तैयार हो गए? हाँ चलो चलते हैं। हेलो बॉस, हाँ अभी यहाँ पर खड़े हैं, हाँ कहाँ पहुँचना है? ठीक 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 अभी पहुँचते हैं।
हेलो बॉस। अरे भाई देख, छोटू और लड़की वो जा रहे दोनों। अरे नहीं, हम अभी किसी और काम से आए हैं, पहले वो काम करेंगे फिर ये काम करेंगे। मैं तो ये कह रहा साली को आज सबक सिखा ही देते। हाँ बॉस, ये लड़की हमारे सामने है, क्या बोलते उसका काम तमाम कर दे। नहीं बॉस, पहले हम अपना काम निपटा करेंगे, जब इस साली का काम तमाम करेंगे। चलो अब। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हारे सब है कौन मेरा? अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। तुम्हारा है ना? कौन? तुम्हारी किताबें। अब तुम्हें वही सारा देंगी। तुम्हें अपनी किताबों से दिल लगा के रखो। तुम्हें उनके सिवा कोई और दिखाई ना दे। दीदी, मैं किताबों से बहुत मन लगा कर रखूंगा और मेहनत से पढ़ूंगा। पीस बेटा, तुम्हें एक काम करना है। बोलो दीदी, बोलो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, जिसने हमको सताया है उनसे अपनी दीदी का बदला लेना है। पीयूष, पीयूष, पीयूष मुझसे वादा करो, पीयूष मुझसे वादा करो, पीयूष मुझसे वादा करो, तुम अपनी दीदी का बदला जरूर लोगे। दीदी, मैं वादा करता हूँ, मैं बदला जरूर लूंगा। दीदी, 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 thank you.
नमस्कार कलेक्टर साहब। नमस्कार, बैठिए। बोलिए, कैसा आना हुआ आपका? रे, हमने सुना है तुमने 2 दिन में बहुत तरक्की कर ली है। अरे, ये तो आपकी मेहरबानी है कलेक्टर साहब। तुमने हमारी फैक्ट्री सीज करा दी है और कुछ माल की गाड़ी भी पकड़वा दी है, और जो फैक्ट्री बन रही थी तुमने उसका काम भी बीच में रुकवा दिया है। अरे भाई, मुंह तो खोलिए, कितना लोगे? खामोश! तुमने मुझे रिश्वत खोर समझ रखा है। उठो, उठो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी धक्के मार के बाहर निकलवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। शायद तुम वो दिन भूल रहे हो जब तुमने कभी किसी गरीब बच्चे को सताया था और उसके आम गुचलवा दिए थे, और तो और, तुमने उसकी बहन का भी एक्सीडेंट करवा दिया। शायद तुम भूल रहे हो। याद करो उस दिन को। मैं वही छोटा बच्चा हूं जिसको तुमने उस दिन सताया था, और तुम जैसे पापियों को सजा देने के लिए ही मुझे कलेक्टर बनना पड़ा। ना उस दिन तुम उस बच्चे को सताते और ना तुम्हें आज ये दिन देखने को मिलता। ऑफिसर,